बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी पंजाब या डी गुजरात। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा 2020 में 9 छात्र इंडियन आर्मी में चयनित होने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यक्रम का नेतृत्व गोल्डन मार्शल के संस्थापक गोल्डन कुमार चौधरी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी श्याम नारायण चौधरी थे। एकेडमी के द्वारा किया गया है ये कार्यक्रम, स्वागत समारोह है। 2020 में गोल्डन मार्शल आर्ट के द्वारा चयनित 9 छात्रों का चयन हुआ है इंडियन आर्मी में देश सेवा के लिए। गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी जो है, गरीब बच्चों को फ्री ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाती है गोल्डन मार्शल आर्ट के द्वारा। असहाय लोगों की मदद की जाती है, इंडियन आर्मी में जाने के लिए प्रेरणा दी जाती है गोल्डन मार्शल आर्ट के द्वारा। गोल्डन मार्शल आर्ट के द्वारा जो ये चयनित छात्र 9 आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, इन छात्रों को मैं शुभकामना देता हूँ। देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, गर्व के साथ जाइए और देश का सेवा कीजिए आप। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पार्ट 3 का फॉर्म भर देने की अनुमति की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पार्ट 3 के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी किया। वहीं छात्र प्रदेश सहमंत्री कुश पांडे ने बताया कि पहले छात्रों द्वारा मांग की ज्ञापन को लेकर परीक्षा नियंत्रक के पास गए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक नहीं होने के कारण छात्र कुलपति के कार्यालय गए। कुलपति भी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इसी दौरान छात्र उग्र होकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं छात्र नेता ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बहुत से छात्र फॉर्म भरने से वंचित रहे थे। किस मांग को लेकर के आज आप धरना बैठे हुए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज हम सभी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर आए, लेकिन विश्वविद्यालय का एक भी प्रशासनिक पदाधिकारी, ना यहां का परीक्षा नियंत्रक, ना प्रतिकुलपति, ना कुलपति आज कोई मौजूद नहीं था। उस कारण अपनी मांग को लेकर हम लोगों को आखिरी स्थिति में धरने पर और आंदोलन करना पड़ा। हमारी मांग है कि इस कोरोना काल में जो अभी फॉर्म भरने का डेट निकाला गया है, आज वह आखिरी दिन है जब लॉकडाउन के कारण ना बस चल रही है ना ट्रेन चल रही है, तो विद्यार्थियों को आखिर क्यों फॉर्म भरने के लिए तिथि नहीं बढ़ाई जा रही है। तो हमारी मांग है कि अभी यह जो फॉर्म भरने की डेट निकली हुई उसको तिथि बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के छात्र जो प्रमोटेड है उनको जब परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 3 की छात्र परीक्षा देंगे, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वैसे छात्र जिनका विश्वविद्यालय की गलती के कारण रिजल्ट पेंडिंग रहा है, जिनका एब्सेंट के कारण पेंडिंग रहा है, पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के प्रमोटेड छात्र को भी पार्ट 3 का फॉर्म भरने दिया जाए, इस भी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 का छात्र बिना परीक्षा दिए हुए पास करेंगे और पार्ट 3 का परीक्षा देना पड़ेगा, पीजी में भी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 के छात्रों को परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, वो प्रमोटेड खुद ब खुद हो जाएंगे और फाइनल सेमेस्टर को परीक्षा देना दिया जाएगा। अगर ऐसा निर्णय विश्वविद्यालय लिया है तो आखिर बीसीए के छात्रों के साथ ऐसा दोहरी नीति और अन्याय क्यों, कि उनको सभी चीज का परीक्षा देना पड़ेगा? तो दोनों के साथ बराबर और समानता का अधिकार है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, या तो दोनों का परीक्षा लिया जाए या दोनों का नहीं। विद्यालय प्रशासन ऐसा मांग कर रही है, इसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इसका विरोध धरने के माध्यम से कर रही है। और हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। कुश पांडे, प्रदेश सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीपी बिहार। भारत माता की जय। नवगछिया में बीएसएनएल का दूसरा नाम भाई साहब नहीं लगेगा।
नौगछिया अनुमंडल में BSNL मोबाइल का बुरा हाल है। अनुमंडल में पिछले एक वर्ष से मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहने की समस्या आम हो गई है, लिहाजा BSNL यूजर घटते जा रहे हैं। लचर व्यवस्था के कारण नौगछिया अनुमंडल में 5% लोग भी BSNL सिम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो BSNL सिम का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए भी लचर व्यवस्था जी का जंजाल बना हुआ है। जबकि नौगछिया अनुमंडल में 12 BTS टावर हैं जिसके मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी अनुमंडल में हर एक जगह से लोगों की शिकायत आ रही है। वहीं बताते चलें कि पिछले वर्ष मई माह में आई आंधी पानी में नौगछिया एक्सचेंज स्थित BTS टावर गिर जाने के कारण नौगछिया शहर में BSNL मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहना एक आम समस्या बन गया है। नौगछिया शहर के पूर्वी क्षेत्र जिसमें नौगछिया अनुमंडल परिसर, कोर्ट परिसर, थाना परिसर, अस्पताल परिसर है, वहाँ BSNL का सिम बिल्कुल काम नहीं करता है। नवगछिया में राजद समर्थकों ने ठाना तेजस्वी को सीएम है बनाना। गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत कमलाकुंडी, महाकालंदी नगर एवं लतरा सहित अन्य पंचायतों में जाकर राजद समर्थकों ने बूथ स्तरीय कमेटी को लेकर बैठक किया। मौके पर जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, युवा नेता शैलेश यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने और बिहार के विकास के लिए राजद को सत्ता में लाने के लिए घर घर जाकर जनता जनार्दन से मिलने का निश्चय किया। नवगछिया में एजुकेशनल कंसल्टेंसी का विधायक ने किया उद्घाटन। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी का उद्घाटन गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के द्वारा किया गया। विधायक ने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गरीब का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है। संस्था के सचिव डॉक्टर दीपक कुमार शाह ने कहा कि हमारी संस्था स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। हमारे यहां आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा सभी प्रकार के रोगों का भी इलाज किया जाएगा। संस्था के चेयरमैन रवि कुमार ने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारी संस्था छात्र छात्राओं को विशेष रूप से जागरूक करेगी। इस योजना के माध्यम से बिहार के लाखों छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट इत्यादि का कोर्स कर अपना करियर बना रहे हैं। नवगछिया के भवनपुरा में कोसी कटाव जारी। पुल पहुंच पथ पर कटाव का खतरा। जिला परिषद सदस्य सह भाजपा नेत्री ने कटाव का किया निरीक्षण। खरीक प्रखंड के कोसी नदी के उस पार भवनपुरा के पास कोसी नदी का भीषण कटाव जारी है। नदी के कटाव होने से कोसी नदी पर बने पुल के पहुंच पथ पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। कटाव की सूचना मिलने पर खरीक दक्षिणी के जिला परिषद सदस्य भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुमकुम देवी ने कटाव स्थल पर जाकर कोसी नदी के हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ नवगछिया का जगतपुर पंचायत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नवगछिया प्रखंड के जगतपुर गांव का चयन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किया गया। आदर्श ग्राम पंचायत जगतपुर के लिए चार्ज पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी के रूप में वरीय समाहर्ता मृत्युंजय कुमार को प्रभार दिया गया है। साथ ही इसके लिए नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार को भी विशेष दायित्व दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए उपरोक्त दोनों पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप पंचायत के सभी प्रकार के कार्य का निपटान करना सुनिश्चित करेंगे। पंचायती राज पदाधिकारी ने इस आदेश को नौगछिया और भागलपुर जिला सहित वरीय पदाधिकारी को भी प्रतिलिपि भेजकर सूचित किया है। वहीं इधर जगतपुर में खबर मिलते ही ग्रामीणों के बीच जश्न का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से उनका पंचायत उपेक्षित रहा है, अब उम्मीद है कि उनका पंचायत भी मुख्य धारा से जुड़ेगा और गाँव में विकास की बयार बहेगी। वहीं इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव, गौतम यादव, रत्नेश यादव, श्री शंकर यादव, राम प्रवेश यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। कहानी सिरफिरे आशिक की पति से बात करने पर राहुल ने कर दी शिल्पी की हत्या। गोपालपुर के अभिया गांव में बीएमपी जवान की पत्नी शिल्पी कुमारी और सिरफिरे आशिक राहुल की आत्महत्या मामले में पूरी कहानी साफ हो जाने के बाद राहुल का सुसाइड नोट की हूबहू कॉपी सामने आ गई है। सुसाइड नोट को पढ़ने पर पता चलता है कि शिल्पी कुमारी के प्रेम में राहुल पागलपन की हद तक पहुंच गया था। उसने आत्महत्या के कारणों का जिक्र करते हुए कहा कि वह भाभी से बहुत प्यार करता था और वह भी उससे प्यार करती थी। भाभी किसी से बात भी कर ले तो उसे गुस्सा आ जाता था। पिछले दिनों वह भैया से बात करती थी और उसका फोन नहीं उठाती थी, इसी कारण से उसने आत्महत्या का निर्णय लिया। राहुल का दावा है कि वह जो भी कर रहा है उसमें शिल्पी और उसकी दोनों की मर्जी है। राहुल ने दावा किया है कि भाभी शिल्पी के साथ उसके अंतरंग संबंध थे। हालांकि सुसाइड नोट देखने से ही पता चलता है कि उक्त लिखावट किसी सरफिरे की लिखावट है। समाज के लोगों का कहना है कि राहुल एक सरफिरा आशिक था, इसलिए अनाप शनाप लिखकर चला गया है। अधिकांश लोग कह रहे हैं कि राहुल का प्यार एक तरफा था, अगर दोनों तरफ प्यार रहता तो इस तरह हत्या और आत्महत्या जैसे कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मालूम हो कि पुलिस हर एक दृष्टिकोण से मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान कर साक्ष्य जुटा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुल पर ट्रक खराब होने से वसूला गया जुर्माना। विक्रमशिला पुल पर बुधवार को ट्रक के खराब हो जाने से पुल पर करीब 3 घंटा जाम लग गया, जिससे पुल पर आवागमन बाधित होने पर जाह्नवी चौक टीओपी पुलिस के द्वारा ट्रक को किरान से निकाला गया, जिसके बाद एमबीआई और डीटीओ के द्वारा 62,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। नवगछिया में झपटमार गिरोह ने महिला से झपटा मारकर छीना 30,000 रुपए। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया बाजार स्टेशन रोड के सब्जी पट्टी में झपटमार गिरोह के एक सदस्य ने एक सेवानिवृत्त शिक्षिका से झपट्टा मारकर 30,000 रुपए उड़ा लिया। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षिका रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गाँव की है। नवगछिया SBI बैंक से पैसा निकाल कर सब्जी खरीदने के क्रम में झपटमार गिरोह ने उक्त घटना को अंजाम दिया है। नवगछिया रंगरा ब्लॉक के मनरेगा कर्मी की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गोरियारी निवासी रंगरा ब्लॉक के मनरेगा कर्मी ज्योति कुमार की मौत के मामले में उसके छोटे भाई बिशु कुमार के आवेदन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को मनरेगा कार्यालय में कार्य की व्यस्तता के कारण लेट तक काम करने के कारण रंगरा ब्लॉक के नवनिर्मित भवन में स्थित PRS के आवास पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन के बाद सभी कर्मी अपने अपने घर चले गए। रंगरा मनरेगा कार्यालय में मात्र एक कर्मी मौजूद था, जिसने बताया कि हम लोग भोजन के बाद अपने अपने घर चले गए थे। गोपालपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी जांच में सहूलियत होगी। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाए सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA, निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8 या रजिस्टर करें MSWT बिहार.com। बस
बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, क्लासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।